साडा दिल नहीं करता इन्हां सरकारां नूं नंगे करन लई ये मार्च जिहड़ा सी कढ़िया गया सी अज गणतंत्र दिवस वाले दिन जिहदे विच लखां दी गिणती च संगतां ने पहुँच के बहुत वड्डा एक सुनेहा एक संदेश जिथे समय की केंद्र अते पंजाब की हकूमत नूं दित्ता है। ये संगत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सत्कार विच आई सी। असी पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते ये प्रोफेसर पूरन सिंह दीआं लाइनां सच्चियां करन विच सफल होए आ। सरकारां जागदियां ओ मचलियां बेशर्म है हंकारी है ये माफी है सरकारां नहीं। अज वाले प्रोग्राम का मकसद ये सी कि असी इन्हां दा जिहड़ा बदमाशी पुणा हैगा ते माफी पुणा है उन्हूं उजागर कर सकीए। असी उहदे च सफल होए आ। इह संविधान नूं मन्नण वालियां सरकारां नहीं इह मन्नदियां बनौटी रब जिहड़े बना रहे आ। इह सानूं पता साडी लड़ाई किहदे नाल है। सो ये लड़ाई लंबी चलेगी। सरकार मन्ने ना मन्ने लोग जाग चुके हैं ते साडे गुरु का फरमान है जो जागे से उभरे सूते गए महाए। अज असी जागना शुरू किया ते असी जितांगे भी ते सफल भी होवांगे। देखो अपराधी दूणा निवें ज्यों हंता मरगाए ये मत्थे बादलों ने भी बहुत टेके है। पीटीसी दे विच ओह कैमरे जिहड़े क्लोज अप लैके दिखाउंदे रहे है पर इन्हां लोकां दे हिरदिआं 'च श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दा इंसाफ देण दी अजे इच्छा नहीं। जेकर उह सचमुच सच कह रहे है ते साडे बंदी सिख कौमी योधे इस मोर्चे दे विच लियांदे जाण अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल उन्हां दा अपमान करन वालियां नूं सलाखां दे पिछे रख्या जावे ये इस मोर्चे की इच्छा है इस मोर्चे दे लोकां दी भावना है। मतलब मोर्चा जो दा त्यों हुण इस तों बाद अग्गे वधदा रहेगा। बिल्कुल वधदा रहेगा जी इहदे च की शक है। अज तां इहने इक पत्ती कढ़ी है इहने बड़ा वड्डा रुख बणना। कौमी इंसाफ मोर्चे वालों 26 तरीक की दी गई कॉल नूं लैके अज जिहड़ा खालसाई रोश मार्च बंदी सिंघां दी रिहाई दा लई कढ़िया गया ते उहदी समाप्ति जिहड़ी है मुड़ हो चुकी है ते मुड़ पंडाल दे बाहर असी खड़े हां ते साडे नाल प्रबंधक आगू बलविंदर सिंह जी मौजूद है। बलविंदर जी की कहना चाहोगे जिहड़ा अज दा खालसाई मार्च सीगा किस तरह दा रहा? अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा शुकराना है। इत्थे आईयां संगतां नूं कोटन कोट प्रणाम है और सारे प्रबंधक समेत पुलिस प्रशासन दे असी सारयां दा ही धन्नवाद करदे हां। मोहाली दीआं संगतां दा भी धन्नवाद करदे हां जिन्हां नूं थोड़ी बहुत तकलीफ जिहड़ी हैगी है जिथे जिथे नाके लगे सी उत्थे होई होवेगी। साडा दिल नहीं करदा इन्हां सरकारां नूं नंगे करन लई ये मार्च जिहड़ा सी कढ़िया गया सी अज गणतंत्र दिवस वाले दिन जिहदे विच लखां दी गिणती च संगतां ने पहुँच के बहुत वड्डा एक सुनेहा एक संदेश जिथे समय दी केंद्र अते पंजाब दी हकूमत नूं दित्ता है उत्थे नाल पूरी दुनिया दे विच दस्सिया है कि सिख शांति पसंद ने सिख अनुशासन विच रहना जाणदे ने सिख सूझवान ने जबर ते जुल्म दे खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करदे आए ने ते हमेशा बुलंद करते रहेंगे। और इस पूरे प्रोग्राम दे विच संगतां ने खुद निगरानी करके इस मोर्चे नूं शांतिपूर्वक सफल किया है। उहदे लई असीं मुड़ तों फिर गुरु साहब का कोटन कोट धन्नवाद करते हाँ सारियां संगतां का करते हाँ और उन्हां सारे लोगों का करते हाँ जिन्हां नूं सवेरे बेनती की सी कि तुसीं अरदास करियो। असीं जिस मकसद दे लई सिर जोड़े ने गुरु साहब नूं परवान चढ़ाउण सच अते इंसाफ की जित होवे। अज मोर्चे की असल शुरुआत हो चुकी है
अज पूरी दुनिया के सुनेहा चलिया गया। तुसी आने वाले दिनों में देखियो कि कौमी इंसाफ मोर्चे नू बेहद मजबूती और बेहद ताकत मिलेगी और ये मोर्चा नवा इतिहास लिखेगा जिदे नाल एक नवी सवेर जिहड़ी हैगी आ चढ़नी शुरू होएगी। कौम अपना इंसाफ अते हक लैके रहेगी। अज सरकार असल सरकार सड़कां ते उतरी सी जिहदी तादाद लखां दी गिणती च सी। ये संगत जथेदार जगतार सिंह हवारा दे प्यार विच आई सी। ये संगत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सत्कार विच आई सी। असीं पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते ये प्रोफेसर पूरन सिंह दीआं लाइणां सच्चियां करन विच सफल होए आ। सानूं बेहद खुशी है संगतां दा ते तुहाडा सारे प्रेस वाले वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਬਲਿੰਦਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹ ਮਚਲੀਆਂ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਪੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਬਨਾਉਟੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉੱਭਰੇ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮਹਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖਤਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਰਗਾਏ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਕੇ ਹੈ। ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਨਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ।